हमारी कौन सी पुस्तक ज्यादा भरी जा रही है, हैं? जिसमें अच्छे कार्य वाली पुस्तक भरी जा रही है या जिसमें बुरे कार्य हैं? अगर आप देखेंगे ना तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बुरे कार्य की पुस्तक जो है बहुत भर गई है। अब लगता है एक भर गई, दो भर गई, तीन भर गई, चार भर गई, हैं? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के हम दूसरे खंड में हैं जहां सात कलीसियाओं के नाम पत्र है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य एक अध्याय के सात पद में, और उसमें हमने चार बातें सीखी थी। कौन कौन सी चार बातें, उसको देख लेते हैं। पहला, वह बादलों के साथ आने वाला है। दूसरा, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे। तीसरा है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। चौथा है, हाँ आमीन। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसके आठवें पद के बारे में। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं वो परमेश्वर के रहस्य, गुण रहस्य को प्रकट करती हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम सीखते हैं तो इसके साथ बड़ी ईमानदारी के साथ बने रहिए, और आखिर तक इस वीडियो को, जो प्रकाशित वाक्य से संबंधित वीडियो आपको दिए जा रहे हैं या भेजे जा रहे हैं, उसको आखिर तक सारे वीडियो को देखिए, ताकि आपको परमेश्वर के गुणों और रहस्यों के बारे में पता चले। जी आइए, पहले हम प्रकाशित वाक्य एक का आठ पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। इस पद में मुख्य छह बातें हैं। पहली बात, प्रभु परमेश्वर। दूसरा, जो है। तीसरा, जो था। चौथा, जो आने वाला है। पांचवा, जो सर्वशक्तिमान है। छठा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। इन सब के बारे में जरा सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर, देखिए यहां पर इस पद का आरंभ जो होता है वो प्रभु परमेश्वर जो है, यानी प्रभु परमेश्वर से होता है। इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है कि वो जो है प्रभु, ये प्रभु परमेश्वर, वो अपने तीनों युगों में अपने कैरेक्टर को या अपने रूप को प्रकट करता है। और पहला क्या है, अगर हम देखें कि जो है यानी प्रभु परमेश्वर जो है, फिर दूसरा क्या है, जो था यानी प्रभु परमेश्वर जो था, तीसरा है जो आने वाला है अर्थात प्रभु परमेश्वर जो आने वाला है, यानी परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर अपने तीनों रूप को अलग अलग युगों में प्रकट करता है। किस तरीके से वो प्रकट करता है, उसका प्रगटीकरण क्या है, उसके प्रगटीकरण पर आज विचार करें, उसके रूप के प्रगटीकरण पर। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि जो है। जी हाँ, जो है का मतलब क्या होता है कि प्रभु परमेश्वर जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रभु परमेश्वर के बारे में सीखा कि वो प्रभु परमेश्वर है और इस समय जो कार्य कर रहा है, जो है वो है प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा जिसकी हम बात करते हैं। यहां पवित्र आत्मा की बात हो रही है कि प्रभु परमेश्वर जो है यानी आत्मा के रूप में। अब यहां पर जो है, हम बात करेंगे भजन संहिता 139 का सात पद, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं। अब इसका जो अर्थ है, जब हम देखते हैं कि जो है यानी पवित्र आत्मा, अब जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते, देखिए मैं सारी आयतें पूरी पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि मैं उन पदों को जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें मुख्य बातें आपको बताऊं। जैसे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 24 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आत्मा, इसलिए जो है इस समय, जो ये वर्तमान जो युग चल रहा है, ये पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, यानी परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर आत्मा के रूप में कार्य कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो परमेश्वर जो है आत्मा के रूप में है और वो हमारे बीच में कार्य करता है। इसलिए आत्मा के विषय में बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में कही गई हैं, जो है इस समय, जो पवित्र आत्मा का युग है, वर्तमान समय में जो हम रह रहे हैं, पवित्र आत्मा के समय में या पवित्र आत्मा के युग में रह रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या बातें कही गई हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यशायाह 63 अध्याय उसका 10 पद है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। ध्यान दीजिए,
हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि पाप करते हैं या गुनाह करते हैं, जो पवित्र आत्मा कह रहा है उस बात को नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं या पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं या शोकित करते हैं, तो लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा पलट कर हमारा शत्रु हो जाता है हम। और अभी ये ध्यान देने की बात है, और जब पवित्र आत्मा से कौन लड़ सकता है, यानी पवित्र आत्मा से लड़ने का मतलब है कि परमेश्वर से लड़ना। अब परमेश्वर से कौन लड़ सकता है, यानी परमेश्वर पलट कर हमारा शत्रु हो जाता है और परमेश्वर हमसे लड़ने लगता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में एक बार को पाप क्षमा किया जा सकता है, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरोध में पाप ना तो इस युग में और ना परलोक में क्या क्षमा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है इसके अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर इफिसियों 4:30 पद में क्या लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए, छुटकारे का दिन है कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें पापों से छुटकारा दे दिया। अब छुटकारे का दिन जो आने वाला, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की बात कर रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो छुटकारे के दिन की जब हम बात करते हैं, तो छुटकारे का जो दिन है इस दुनिया से, इस पाप में दुनिया से, इस पाप के बीच में से, पापी लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दिलाने आ रहा है, और हमें एक ऐसे राज में ले जाएगा जहां सिर्फ और सिर्फ शांति की बातें होंगी, आनंद की बातें होंगी, प्रभु की बातें होंगी, आत्मिक बातें होंगी, और सब सारा वातावरण आत्मिक होगा। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दुख या कलेश या पाप की कोई भी बात नहीं होगी, पापी जन वहां दिखाई नहीं देंगे, यानी परमेश्वर का जो परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए आत्मा हमारे ऊपर जो छाप दी गई है, पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब परमेश्वर की मोहर कौन सी है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इसके बारे में आगे बताता है परमेश्वर की मोहर के बारे में। मगर एक बात ध्यान रखें कि हमारे ऊपर जो मोहर लगी है, जो छाप लगी है, परमेश्वर के आत्मा की लगी है, और जिसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा की छाप लगी हुई है वही परमेश्वर का जन कहलाता है। और परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा, जैसे हमने पिछले संदेश में पढ़ा था, तो वो अपनी आत्मा की उस मोहर को देखेगा, आत्मा की उस छाप को देखेगा, और वही छाप जो है हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का मौका देगी। अगर हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, दुखित किया है, तो वो छाप हमारे जीवन से हट जाएगी। इसलिए पहला थसलुनीकियों 5:19 को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां एक छोटी सी बात लिखी, बस बहुत बड़ा वो पद नहीं है, वहां लिखा आत्मा को शोकित मत करो। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि बल्कि आत्मा को शोकित मत करो। वहां पर जो शब्द आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाने का मतलब क्या है कि आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को दुखी मत करो। मगर आज हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विरोध में कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट यहां पर है कि जो था, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, अब उसे, ये भूतकाल का समय है, ये बीता हुआ समय है, जो परमेश्वर जो है बीते हुए समय में वो कैसे कार्य करता है। बीते हुए समय में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, बीते हुए समय में परमेश्वर ने बहुत से ऐसे कार्य करे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर पहले मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहता हूं, यशायाह 40:28। यहां पर यशायाह 40:28 में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि परमेश्वर जो है वो क्या है, सनातन परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है हमारा। जी हाँ, वो कभी थकता नहीं, यानी कार्यशील रहता है, हमेशा कार्य करते रहता है। बीते हुए समय में उसने सारी सृष्टि की रचना करी, और भी वो उसने बहुत से कार्य कर रहे हैं, और लिखा हुआ है वो कभी थकता नहीं है और ना कभी वो आराम करता है। उसकी जो बुद्धि है ना, उसका आप भेद नहीं ले सकते, अपार बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि मेरे ख्याल से हम शायद उसकी बुद्धि के एक अंश के बारे में भी ठीक से नहीं समझ पाते। अगम बुद्धि, यानी बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है वो, परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है। अब यहां एक बात लिखी हुई है भजन संहिता 104:29-30 में,
देखिए जो था परमेश्वर उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था। यहां लिखा है तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर लिखा है फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू पृथ्वी को नया कर देता है। देखिए ये प्रत्येक दिन की जो क्रिया है या प्रत्येक दिन का जो कार्य है जो परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर प्रत्येक दिन सांस ले लेता है, अपना मुख फेर लेता है। जिससे मुख फेर लिया उसने अपना, तो ये सोच लीजिए वो क्या हो गया, वो घबरा जाता है, उसके अंदर जो है बहुत सी ऐसी बातें आ जाती है। यानी कहने का मतलब है अगर शैतान परमेश्वर ने अपना मुख आपसे फेर लिया है तो शैतान फिर आपको आके घेर लेता है और अंधकार में ले जाके डुबो देता है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सांसें जो है जिसकी सांस वो खींच लेता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। बिल्कुल सही बात है, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है और जिसकी सांसों को वो चाहता है वो ले लेता है और जिसको सांस देना चाहता है वो सांस भेजता भी है। और आप ये जानते हैं नए सिरे से बच्चे रोजाना पैदा होते हैं, रोजाना लोग मरते हैं, रोजाना पैदा होते हैं इस दुनिया के अंदर। यानी ये परमेश्वर का जो कार्य है ये चलता रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर वो कहता है अगर आप प्रेरितों के काम 17:25-28 और व्यवस्था विवरण 33:2 पढ़ेंगे, लिखा है बनाए रखने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, हमें बनाए रखने वाला परमेश्वर है। मैं सारी आयतें नहीं, मुख्य मुख्य बातें उसमें से पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 104 उसका 27-28 पढ़ेंगे, व्यवस्था और अन्न देने वाला परमेश्वर। देखिए व्यवस्था हमें देता है, कानून हमें बताता है, हमें समझाता है और हमें प्रत्येक दिन की रोटी जो है यानी अन्न जो है वह हमें देता है। और फिर है जब आप उत्पत्ति 18:25 पढ़ेंगे, लिखा है वहां न्याय परमेश्वर है। जी हाँ, देखिए पुराने समय में वो जो न्याय था और उसका न्याय आज भी प्रकट होता है, न्याय वो आज भी करता है जो था परमेश्वर। देखिए किस रूप में कर रहा है, वर्तमान समय में हमने सीखा था कि यानी पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में वो कार्य परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा आज भी वैसे ही कार्य कर रहा है, वैसे ही व्यवस्था दे रहा है, वैसे ही न्याय कर रहा है, वैसे ही अन्न दे रहा है, सारी बातें वैसे ही हो रही हैं जैसे पुराने समय में उसे बीते हुए समय में परमेश्वर ने किया। सृष्टि आज भी हो रही है, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं, होने का मतलब है सृष्टि आज भी हो रही है। दानिय्येल 4:17 में लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने वाला परमेश्वर जो है वो एक ही है, स्वर्ग और पृथ्वी पर जो शासन करता है। फिर भजन संहिता 103:13 रोमियो 8:15 में लिखा है हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो एक ही है, यानी स्वर्गीय पिता जो है उसके बारे में लिखा। वो स्वर्गीय पिता कौन, वही परमेश्वर जो था जो है जो आने वाला, वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर है वो। और निर्गमन 3:15 में लिखा है कि परमेश्वर को पहले किस नाम से जाना जाता था, अब्राहम इज़ाक और याकूब का परमेश्वर जो यहोवा के नाम से मूसा पर प्रकट हुआ। देखिए पहले वो जाना जाता था अब्राहम इज़ाक और याकूब के नाम से, फिर वो यहोवा के नाम से प्रकट हुआ। और भी जब परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब वो मूसा की जब हम बात करते हैं तो निर्गमन 3:14 में लिखा हुआ मैं हूं, जाकर फिर उनको बता मैं हूं। मैं हूं का मतलब क्या होता है, यानी इकलौता परमेश्वर। मैं हूं का मतलब एक व्यक्ति, कोई दूसरा नहीं उसके साथ, कहता वो यहोवा मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है जो आने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रभु परमेश्वर जो आने वाला है, यानी आने वाला कौन है, यीशु मसीह न्यायकर्ता के रूप में जो है वो आने वाला है, मगर वो ईश्वरीय रूप में प्रकट होगा। ये हमने पिछले संदेश में सीखा था जब वो आकाश के बादलों पर आएगा। बादल किस बात को प्रकट करते हैं, ईश्वर को का प्रकटीकरण है और वो ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं, ईश्वर खास तौर से ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह का बादल पे आने का मतलब है कि ईश्वर का प्रकट होना, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के रूप में प्रकट होने जा रहा है या आने वाला है। प्रेरितों के काम 10:42 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों के काम 10:42 में और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह जो आने वाला है किस रूप में, न्यायकर्ता के रूप में। और यहां पर प्रेरितों के कार्य में भी ये लिखा हुआ है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। जी हाँ, वो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए आ रहा है, हैं? जो भी काम हमने करे, जैसे भी काम हमने करे हैं वो आ रहा है। और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 20:12 और 13 में
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखिए सिंहासन रखे गए, यानी न्याय का सिंहासन रखा गया और उस न्याय के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठा गया। और प्रभु यीशु मसीह नहीं बल्कि वो कहता है, चेलों से भी कहता है कि तुम मेरे साथ बैठकर लोगों का न्याय करोगे। वो उसके चेले भी उसके साथ बैठे। अब प्रभु यीशु मसीह न्याय, मरे हुओं का और जो जिंदे थे सबका न्याय किया गया। मगर यहाँ पर एक बात आई है कि पुस्तकें खोली गई, पुस्तक नहीं खोली गई। बहुत से लोग सिर्फ जीवन के पुस्तक पर ही रुक के रह जाते हैं। साहब जीवन की पुस्तक में ये लिखा, जीवन की पुस्तक में जिसका नाम होगा, नहीं वहां लिखा है पुस्तकें खोली गई। हमारे अच्छे और बुरे कार्य के जो है सारा वर्णन लिखा जा रहा है। हमारे अच्छे कार्यों का वर्णन अलग है कि पुस्तक अलग है, और बुरे कार्यों की पुस्तक का वर्णन अलग है। अब देखिए दो पुस्तकें हैं। अब यहां पर जो है हमारी कौन सी पुस्तक ज्यादा भरी जा रही है, है? जिसमें अच्छे कार्य वाली पुस्तक भरी जा रही है या जिसमें बुरे कार्य हैं? अगर आप देखेंगे ना तो मुझे जहां तक लगता है कि बुरे कार्य की पुस्तक जो है बहुत भर गई है। अब लगता है एक भर गई, दो भर गई, तीन भर गई, चार भर गई, है? आप जब बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, पहले ए कॉपी आती है, पहला कॉपी आएगी, फिर बी, फिर सी, पी, कोई तीन चार कॉपियां भरते हैं। जो तीन चार कॉपी भर के आते हैं बड़ा अच्छा लगता है उन्हें कि आज हमारा पेपर बहुत अच्छा रहा, मैंने तीन कॉपियां भर दी, मैंने चार कॉपी भर दी। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे एग्जामिनेशन देकर आते हैं और अच्छी कॉपियां भर के आते हैं। मगर याद रखिए हमारे जीवन की जो कॉपी है, हमारे जीवन की जो किताब लिखी जा रही है वो स्वर्ग में लिखी जा रही है, मगर वो भरी कौन सी जा रही है? तीन चार कॉपियां जो हैं वो स्वर्ग के अंदर भर चुकी हैं हमारे, और बहुत मोटी मोटी बड़ी कॉपियां हैं, ये पतली पतली नहीं है एग्जामिनेशन वाली, बहुत बड़ी बड़ी वो किताबें बन चुकी हैं, उनकी कहानी पूरी बन चुकी है। अब ये सोचिए कि हमारा अच्छा कार्य लिखे जा रहे हैं या बुरे कार्य लिखे जा रहे हैं। अगर बुरे कार्य लिखे जा रहे हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, यानी न्याय करने के लिए जो आने वाला है वो न्याय करने आ रहा है। और डैनियल 7 और उसके 9-10 में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डैनियल 7 उसके 9-10 पद को जब आप पढ़ेंगे, मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मुख्य बात बता रहा हूँ। डैनियल जो है इस पद में जो है प्राचीन की, किसी प्राचीन की बात कर रहा है। वो प्राचीन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बात कर रहा है कि सिंहासन रखे गए, वहां पर भी लिखा है सिंहासन रखे गए और न्याय आसन जो है, जिसको न्याय आसन कहते हैं, न्याय आसन पर वो एक जो प्राचीन है जो यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है वो बैठ गया। और फिर लिखा है न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। डैनियल भी इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि न्याय बैठ गए हैं। अब न्याय बहुत से न्याय बैठ गया, बहुत से न्याय का मैंने अभी आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर जो है लोगों का न्याय करोगे। ये उन न्यायियों की बात कर रहा है। और लिखा पुस्तकें खोली गई, यहां डैनियल भी बता रहा है कि पुस्तकें खोली गई। भाई पुराने समय से प्रभु बताता आ रहा है कि सबकी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। जैसे कि आप अगर अब्राहम के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं, जब आप उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अब्राहम का विश्वास अब्राहम के लेखे में धर्म गिना गया। ठीक है, ये बहुत सी ऐसी बातें, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारा वो जो सारे कार्य हैं वो धर्म के अंतर्गत गिने जाते हैं। परंतु अगर हम बुरे कार्य करते हैं, बुराई करते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं तो फिर हमारी वो पुस्तक जो है बुरे कार्यों के लिए भरी जा रही है। और लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20 के 13वें पद में लिखा हुआ है ना, जैसे हमने अभी 20 का 12 पद ऊपर पढ़ा था, नीचे 13वें पद में लिखा है समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक में ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, हर एक के कामों के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार जो है वह हमारा न्याय किया जाएगा। चाहे आप पानी में डूब कर मरे हों, आग में मरे हों, चाहे आप अधोलोक में दफन कर दिए गए हों, चाहे जैसे भी हो, हर एक मुर्दे जो है वो जी उठेंगे और हर एक का न्याय होगा। उसके बाद जो है जो दूसरी मृत्यु है वो है आग की झील, उसके बाद आग की झील में इंसान डाल दिया जाएगा और फिर सदा के लिए वो वहीं रहेगा, वहां से निकल नहीं पाएगा, और वहां होगा रोना और दांतों का पीसना। लोग रोएंगे, बिलबिलाएंगे, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। फिर है जो सर्वशक्तिमान है, देखिए प्रकाशित वाक्य 1:8 पद का वर्णन कर रहे हैं हम, यहां लिखा है जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है फिर मैं आपको बताऊंगा, कि जो
है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आत्मा में है वो सर्वशक्तिमान है। फिर जो था यानी परमेश्वर यहोवा अब्राहम का, इज़ाक का और याकूब का परमेश्वर जो यहोवा के नाम से भी जाना जाता था वो सर्वशक्तिमान है, है? फिर है जो आने वाला है यानी न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है बहुत ताकतवर है और उसकी शक्ति का जो है आप आंकड़े नहीं लगा सकते हैं उसकी शक्ति का, ये बात जो है उसके बारे में कही गई है। फिर है पॉइंट, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। ध्यान दीजिएगा यहां लिखा है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। ये अल्फा और ओमेगा जो बात यहां पर कही गई है ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द का है और इसका जो मतलब ये जो है ग्रीक शब्द का अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट जो है स्टार्टिंग की गई है, इसका मतलब होता है आदि और अंत, इसका जो अर्थ होता है आदि और अंत। और परमेश्वर क्या कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं यशाया 44 और 6 पद में लिखा है सबसे पहला मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। ध्यान दीजिएगा मैं ही सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहां से आया, परमेश्वर की उत्पत्ति कहां से हुई। भैया परमेश्वर की अगर उत्पत्ति को सब जान लेते परमेश्वर कहां से आया ये सबको पता चल जाता फिर वो परमेश्वर रहते ही कहां, फिर वो परमेश्वर ही कहां था। तो ये समझ लीजिए कि वो जो है वो कहता है मैं सबसे पहला, वो सबसे पहला वही अंत तक है परमेश्वर का वचन कहता है। फिर कहता है यशाया 48 का 12, 48 के बारे में लिखा मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं यहां पर कहता। और प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रकाशित वाक्य 1:8 में मैं प्रथम और अंतिम हूं, और प्रकाशित वाक्य 2:8 में मैं प्रथम और अंतिम हूं, प्रकाशित वाक्य 22:13 में मैं अल्फा और ओमेगा पहला और अंतिम आदि और अंत हूं, यहां कहता है प्रभु यीशु मसीह ये कहता है। यानी प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है, वो अपने परमेश्वर के रूप को प्रकट करता है कि वह परमेश्वर वही है, इसलिए उसको माने, उसको देखें परमेश्वर जो है। और जैसा वो कहता ना, जैसे अभी मैंने बताया निर्गमन 3:14 में वो मूसा से कहता मैं हूं, और जब आप नए नियम को पढ़ोगे तो वहां पर बिल्कुल साफ इस बात को लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह मैं हूं का शब्द इसलिए प्रयोग करता क्योंकि वही इकलौता परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई नहीं है। जैसा फॉर एग्जाम्पल भेड़ों का द्वार मैं हूं, अच्छा चरवा मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। तो ये मैं हूं शब्द का प्रयोग जो है प्रभु यीशु मसीह ने करा है, और प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों का प्रयोग करके ये प्रकट करता है जिस परमेश्वर की आसरा तुम देख रहे थे, जिस परमेश्वर को तुम जानना चाहते थे, जिस परमेश्वर से जो तुम मिलना चाहते थे वो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। वो परमेश्वर कहीं नहीं गया, मगर लोगों ने उसको जाना नहीं, लोगों ने उसको पहचाना नहीं, और उस परमेश्वर को क्या करा, इग्नोर कर दिया और अपने से अलग कर दिया। मगर ध्यान रखें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:8 में क्या लिखा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो अल्फा और ओमेगा है। और याद रखें उस परमेश्वर को जाने, आज हमने सीखा कि कौन वो परमेश्वर कौन है, और उस परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे दे ताकि हम सुरक्षित रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बताए से आशीष दें, आमीन।